तो दोस्तों कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर ये बताइए कि प्रथम प्रवेश पंजीका अर्थात यस आर रजिस्टर को कैसे भरा जाता है तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बता दूंगा कि प्रथम प्रवेश पंजीका को कैसे फिल किया जाता है अर्थात जब बच्चा स्कूल में आता है तो उसका नामांकन किया जाता है तो नामांकन इसी रजिस्टर में किया जाता है कैसे इसको भरा जाता है उसी को मैं बताने जा रहा हूँ तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों ये हमारा प्रवेश रजिस्टर है यहाँ देखिए स्कूल का नाम लिखा रहेगा यहाँ तहसील का नाम लिख देंगे फिर उसके बाद देखिए जिला का नाम लिख देंगे ठीक है अब फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि और कौन से कॉलम हैं यहाँ देखिए क्रमांक है क्रमांक में नंबर एक अगर यहाँ से चलेगा नंबर एक नंबर दो चलेगा ठीक है यही एस नंबर हो जाएगा ठीक है अगर आप पहले बच्चे का एडमिशन कर रहे हैं तो यहाँ वन लिख देंगे दूसरे का कर रहे हैं तो टू रहेगा यही क्रम चलता रहेगा ठीक है।, है इसी क्रमांक से बच्चे को जाना जाएगा अर्थात उसका प्रवेश रजिस्टर का क्रमांक हो जाएगा ठीक है अब यहाँ देख लीजिए विद्यार्थी का नाम रहेगा यहाँ विद्यार्थी का नाम लिख देंगे फिर उसके बाद देखिए आयु तीसरे नंबर के कालम में देख लीजिए क्या है प्रवेश के समय की भाषा तो प्रवेश के समय की जो भाषा होगी उसको आप यहाँ लिख देंगे तो अक्सर प्रवेश के समय की भाषा हिंदी है तो हिंदी लिख दिया जाता है फिर उसके बाद देखिए आयु का कालम है चौथा इसमें जन्मतिथि लिखी जाती है वर्ष और मास ठीक है तो यहाँ जन्मतिथि भर दिया जाएगा फिर उसके बाद माता पिता के नाम का कालम है पाँचवें नंबर तो माता पिता का नाम भर दिया जाएगा फिर उसके बाद है निवास स्थान तहसील व जिला सहित तो यहाँ उस बच्चे का पूरा एड्रेस लिखा जाता है तहसील और जिला सहित ठीक है उसके बाद सातवें नंबर पे देख लीजिए क्या है उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि तो उसको लिख दिया जाता है अक्सर उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि बच्चा इसमें लिख दिया जाता है जन्म से फिर उसके बाद है जाति यदि हिंदू हो अन्यथा धर्म यदि हिंदू है तो उसकी जात लिखी जाती है और यदि हिंदू के अतिरिक्त है तो उसका धर्म जैसे अगर मुस्लिम है तो यहाँ उसका धर्म क्या हो जाएगा इस्लाम इस्लाम लिख दिया जाता है फिर उसके बाद है पिता अथवा संरक्षक का व्यवसाय उसके पिता या उसके अभिभावक क्या कार्य करते हैं उसको यहाँ नवे नंबर पे लिख दिया जाता है फिर उसके बाद है यदि पूर्व किसी स्कूल में पढ़ा हो तो उसका नाम बच्चा यदि किसी स्कूल में पढ़ करके आता है तो उसका नाम यहाँ लिख दिया जाता है ठीक है फिर उसके बाद है देखिए यहाँ प्रवेश तथा उन्नति की तिथियाँ तो देखिए दोस्तों यहाँ एक से लेके आठ तक है एक से पाँच बेसिक हो गया और छः से आठ जूनियर हाई स्कूल हो गया तो यदि मान लीजिए कक्षा एक में बच्चा आ रहा है तो एक वाले कालम में लिखेंगे जब आप उसका एडमिशन करेंगे उस तिथि को लिख देंगे दो में है तो दो पाँच में है तो पाँच में लिखेंगे जिस तिथि में बच्चा आएगा एडमिशन करेंगे उसको आप यहाँ दर्ज कर देंगे अब जैसे मान लीजिए कक्षा एक में आपने दर्ज कर दिया तो बच्चा जब अगले क्लास में जाएगा तो जब आप वो पास हो जाएगा तो उसकी तिथि को आप यहाँ अंकित कर देंगे दूसरे में फिर यही क्रम चलता रहेगा तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए 19 और 20 वाला कालम क्या है यहां देखिए है परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि तो दोस्तों यहाँ यह देखिए 19 में बेसिक है यह जूनियर हाई स्कूल तो बेसिक के लिए मान लीजिए कक्षा पांच जब, जब उत्तीर्ण करेगा तो जो तिथि होगी उसको आप यहाँ लिख देंगे कक्षा आठ जब पास करेगा तो उसकी उत्तीर्ण की तिथि आप यहाँ लिख देंगे ठीक है इसके बाद यहाँ देखें स्कूल छोड़ने की तिथि कारण सहित जब छात्र टीसी मांगने आएगा तब उस समय स्कूल छोड़ने की तिथि लिख देंगे और कारण में दिखा देंगे कि कक्षा पाँच पास या कक्षा आठ पास ठीक है ये हो जाएगा उसके बाद ये तेईसवा नंबर का जो कालम है यदि छात्र पुनः प्रविष्ट हो तो उसका पुनः प्रवेशांक तो यहाँ देखिए कि जैसे मान लीजिए बच्चा पढ़ रहा हो और यदि उसका नाम बीच में कट गया हो अनुपस्थिति के कारण या कहीं वो दूसरे जगह चला गया हो लेकिन अगर वो बच्चा पुनः एडमिशन लेता है तो उसको तो नया क्रमांक मिल जाएगा आपको उसको तो नया क्रमांक या सार नंबर मिल जाएगा लेकिन उस क्रमांक को यहाँ दर्ज करना होगा क्या कि यदि छात्र पुनः प्रविष्ट हो तो उसका पुनः प्रवेशांक तो नवीन प्रवेशांक जो होगा आप इस कालम में यहाँ यहाँ फिल कर देंगे ठीक है उसके बाद ये विशेष वाला कालम क्या है कि जब आप उसको टी सी काट करके दे देंगे जब कच्छा पांच पास हो जाएगा कच्चा आठ पास हो जाएगा तो यहां विशेष वाले मोहित टी संख्या लिख देते हैं अब आप लिख मतलब टी संख्या और लिख देते हैं डेट किस तारीख को आप उसको टी दे रहे हैं वह डेट आप लिख देते हैं तो इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया कि प्रथम प्रवेश रजिस्टर जिसको हम एस रजिस्टर कहते हैं कैसे आसानी से हम फिल कर सकते हैं अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा यदि आप और कुछ जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में तो आप कमेंट बॉक्स करिए में लिख दीजिएगा धन्यवाद